गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले वीडियो में हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन की गुण की स्टडी कर रहे थे कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। तो यहाँ जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो प्रत्येक सेल के ऊपर पाई जाती है, तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पारगमता, विसरण का, परासरण का, सक्रिय अभिगमन का, और आपको मैंने पीछे पढ़ाया था गुणों के अंदर फैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, ये सारे गुण किसके होते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के गुण पाए जाते हैं। तो हमने डिस्कस किया था पिछली वीडियो के अंदर परमेबिलिटी को, पारगमता को, कि पारगमता जो होती है वो अणुओं के ऊपर डिपेंड करती है, अणुओं का आकार कैसा है, उनकी कार्बनिक ब्लायकों में घुलनशीलता कैसी है, और कुछ चीजें होती हैं जैसे CO2 है, O2 है, H2O है, तो यहाँ इनका स्वतंत्र प्रभाव होता है, यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं होती। इनके अलावा और सबके लिए यहाँ पर पारगमता प्रदर्शित करती है मेम्ब्रेन। नेक्स्ट चलते हैं हम विसरण पर। आप लोगों ने 11th के अंदर पढ़ा होगा कि विसरण क्या होता है। विसरण होता है कि अणुओं का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन। जब यहां पर जो अणु होते हैं वो अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करते हैं, तो ये गमन करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? विसरण कहलाती है। इसके अलावा एक मिलता है सुगमित विसरण। सुगमित विसरण जो बड़े एटम होते हैं, जैसे कुछ कार्बनिक अणु होते हैं, ये अणु आकार में क्या होते हैं? बड़े। आकार में बड़े होने के कारण ऐसे बड़े अणुओं का आसानी से विसरण नहीं हो पाता, ये आसानी से मूव नहीं कर पाते, सेल में आना जाना इनका आसानी से नहीं हो पाता। तो यहां पर ऐसे बड़े अणुओं को विसरित कराने के लिए कुछ वाहक पाए जाते हैं, जैसे परमीएज, ये एक प्रकार का वाहक है जो बड़े अणुओं को प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लाने ले जाने का कार्य करता है। तो ऐसे कार्बनिक अणु या ऐसे बड़े अणु जो वाहकों की सहायता से बाहर और अंदर आने जाने का कार्य करते हैं, और इस प्रकार वह होने वाला जो विसरण है वो क्या कहलाता है? सुगमित विसरण कहलाता है। तो यहां पर जो विसरण का गुण है वो विसरण का गुण प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाती है, क्योंकि हर वक्त ऊर्जा खर्च करके मेम्ब्रेन अपनी एनर्जी को इन्हीं कार्यों में वेस्ट नहीं करना चाहती, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। अधिकतर जो कार्य होते हैं सेल के, वो सेल के अधिकतर कार्य यहाँ पर विसरण की प्रक्रिया के द्वारा ही हो जाते हैं, बिना ऊर्जा के खर्च किए। नेक्स्ट आता है परासरण। परासरण और विसरण में क्या अंतर होता है? परासरण और विसरण में केवल और केवल क्या है? डेफिनेशन यही है, अणुओं का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन क्या कहलाता है? परासरण, विसरण। अगर इसी डेफिनेशन में या इसी इसमें एक पॉइंट जोड़ दें, अणुओं का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन प्लाज्मा झिल्ली से हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से हो,
क्या कहलाता है और ये भी कैसी होगी, अर्ध पारगम्य, अर्ध पारगम्य। अर्ध पारगम्य प्लाज्मा मेम्ब्रेन से हो तो क्या कहलाता है, परासरण। तो इसको हम ऐसे भी तो कह सकते हैं कि अणुओं का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली से होने वाला गमन क्या कहलाएगा, परासरण कहलाएगा। तो यहां भी परासरण में भी सांद्रता उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर ही अणुओं का गमन होगा, लेकिन होगा किससे, अर्ध पारगम्य झिल्ली से। ये जो अर्ध पारगम्य झिल्ली है, यही अर्ध पारगम्य झिल्ली दो तंत्रों को या दो निकायों को क्या रखती है, पृथक पृथक। जैसे मान लिया यहां पर दो सेल्स प्रेजेंट हैं, इस सेल्स के अंदर सांद्रता अधिक है, यहां सांद्रता कम है, यहां सांद्रता कम है। सेल है तो मेम्ब्रेन भी होगी, प्लांट सेल है तो सेल मेम्ब्रेन, सॉरी सेल वॉल भी होगी। यहां से जो गमन है वो जो इधर होगा, क्योंकि टच होती हैं कोशिकाएं एक दूसरे से, यहां से जो अणुओं का गमन है वो जो इधर हो रहा है, इधर सांद्रता अधिक है और इधर सांद्रता कम है, तो ये जो गमन होगा वो कहां से होगा, अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा। यहां पर मेम्ब्रेन, क्योंकि एक ही मेम्ब्रेन सभी प्रकार के कार्यों को प्रदर्शित करती है, आपने 11th के अंदर पढ़ा होगा कि मेम्ब्रेन कुछ अणुओं के लिए अपारगम्य भी हो सकती है, कुछ के लिए पारगम्य भी हो सकती है, कुछ के लिए अर्ध पारगम्य भी हो सकती है और कुछ के लिए चयनात्मक पारगम्य भी हो सकती है। तो यहां पर अणुओं की प्रकृति के अनुसार मेम्ब्रेन अपनी प्रकृति को चेंज कर लेती है। तो ये यहां से अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर होने वाला जो विसरण होता है वही परासरण कहलाता है। अगर ये विभव प्रवणता की दिशा में हो रहा है तो यहां किसी प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होगी, और विभव प्रवणता के विपरीत दिशा में होता है तो यहां ऊर्जा की आवश्यकता होती है। विभव प्रवणता के अगर विपरीत दिशा में हो रहा है तो इसको हम कहते हैं सक्रिय अभिगमन। विभव प्रवणता के विपरीत दिशा में अणुओं का गमन, अणुओं का गमन कैसे होगा, सक्रिय अभिगमन द्वारा, एक प्रकार का परासरण ही होता है। यहां पर विसरण बलों को रोकने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, अणुओं का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गमन, अधिक सांद्रता की ओर गमन क्या कहलाता है, सक्रिय अभिगमन कहलाता है। तो जब कम सांद्रता से अणु अधिक सांद्रता की ओर जाएंगे तो यहां पर विसरण बल उपस्थित होते हैं, यहां जो मेम्ब्रेन है उस मेम्ब्रेन पर कुछ फोर्स कार्य करते हैं, उन फोर्सों को रोकने के लिए यहां ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और इस प्रकार का जो परासरण होता है वो सक्रिय अभिगमन कहलाता है। इससे पहले जब मैंने आपको मेम्ब्रेन के गुण पढ़ाए थे तो उसमें आपको पढ़ाया था फैगोसाइटोसिस,
एंडोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। तो ये भी क्या होते हैं, ये भी मेम्ब्रेन के गुण होते हैं। पिनोसाइटोसिस तरल पदार्थों को सेल अपने अंदर ले रही है या तरल पदार्थों को अपने अंदर से बाहर निकाल रही है। एंडोसाइटोसिस ठोस पदार्थों का अंतर्ग्रहण कर रही है। तो सेल के अंदर अगर ठोस या द्रव पदार्थ जा रहे हैं तो वो क्रिया कहलाएगी यहां पर पिनोसाइटोसिस या एंडोसाइटोसिस। अगर अंदर से कोशिका किसी भी प्रकार के पदार्थ को निकाल रही है, ठोस है चाहे द्रव है या अर्ध ठोस है, ऐसे पदार्थों को अगर ये निकाल रही है तो ये क्रिया क्या कहलाएगी, एग्जोसाइटोसिस। ये बाहर निकालने की क्रिया है। और फैगोसाइटोसिस अंदर लेने की, ये दो प्रकार की होती है, एंडोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। तो ये सभी मेम्ब्रेन के गुण होते हैं। इसके अलावा जब मैंने आपको मिडिल लेमिला को पढ़ाया था तो वहां पर एक पॉइंट आया था प्लाज्मोडेस्मेटा। क्या होते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा? स्टूडेंट्स, जब एक कोशिका दूसरी कोशिका के द्वारा, कोशिका से मिडिल लेमिला के द्वारा जुड़ी होती है तो यहां पर कुछ जीव द्रव्य तंतु पाए जाते हैं। जीव द्रव्य तंतु होते हैं क्योंकि प्लांट सेल के ऊपर सेल वॉल पाई जाती है। प्लांट सेल के अंदर कोशिकाएं डायरेक्टली मेम्ब्रेन के द्वारा एक दूसरे से अटैच नहीं होती हैं। यहां मेम्ब्रेन उपस्थित होने की वजह से मेम्ब्रेन के ऊपर सेल वॉल उपस्थित होने की वजह से कोशिकाएं कुछ विशेष प्रकार के तंतुओं के द्वारा एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं। और यहां ये सेल वॉल भी मिडिल लेमिला के द्वारा, ये क्या है, मिडिल लेमिला। तो इस मिडिल लेमिला में से कुछ ऐसे छिद्र पाए जाते हैं जिनसे होकर के जो साइटोप्लाज्म के बने ही होते हैं ये तंतु, जीव द्रव्य तंतु कहते हैं इनको, क्योंकि किसके बने, जीव द्रव्य के। ये एक कोशिका को दूसरी कोशिका के साथ कनेक्ट रखते हैं। यहां दो सेलों में कनेक्शन करते हैं तो ये क्या कहलाते हैं, प्लाज्मो डेस्मेटा, जीव द्रव्य तंतु। प्लाज्मो डेस्मेटा आपस में इन दो सेल्स को भी कर रहे हैं, यहां भी सेल्स उपस्थित होंगी, यहां भी मिडिल लेमिला होगी, इधर भी मिडिल लेमिला होगी और इधर भी होगी। तो यहां इस प्रकार से ये एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे हैं, ये भी आगे कहीं ना कहीं कनेक्ट होगी। तो यहां पर एक नेट सा बना लेते हैं चारों तरफ से, ये एक समाकृत इंटीग्रेटेड नेटवर्क बन जाता है इनका, और ये एक कोशिका को दूसरी कोशिका के साथ में संपर्क में रखते हैं, इनके जीव द्रव्यों में संपर्क रखते हैं। तो ये जीव द्रव्य से ही बने हुए तंतु होते हैं तो जो क्या कहलाते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा कहलाते हैं। इनका अगर हम कार्य देखें तो सबसे पहला कार्य कौन सा है, दो सेल्स के मध्य में संपर्क का, जो दो सेल्स का साइटोप्लाज्म है इनके द्वारा एक दूसरे के साथ में संपर्क में रह रहा है। उसके अलावा अगर कोशिका में बाहर से, एक कोशिका को कहीं से बाहर से कोई उद्दीपन मिल गया तो इस उद्दीपन के प्रति अगली कोशिका को सचेत कर देंगे। अपने अंदर एनिमल्स के अंदर नर्वस सिस्टम पाया जाता है जो यहाँ अलर्ट करने का कार्य करता है। हमारे अंदर आंख कान नाक सब कुछ है तो यहाँ ऐसा कोई
चीज नहीं पाई जाती प्लांट्स में। तो यहाँ एक कोशिका को दूसरी कोशिका में अगर कोई मैसेज देना है तो ये यहाँ उद्दीपन का भी कार्य करते हैं, संपर्क स्थापित करने का भी कार्य करते हैं, और यहाँ पर वाहक का भी कार्य करते हैं। आवश्यकता होने पर कुछ पदार्थों के यहाँ वाहक का भी कार्य इनके द्वारा किया जाता है। तो यहाँ आपके सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के कैसे निर्माण हुआ, कैसे इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या इनके गुण होते हैं, इसके अलावा पर नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है केंद्रक। न्यूक्लियस, केंद्रक की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो केंद्रक प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में अलग अलग प्रकार का पाया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं प्रोकैरियोट्स की। प्रोकैरियोटिक सेल्स, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं, इन प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाए जाने वाला जो केंद्रक होता है, या फिर कहें कि जो क्रोमेटिन पदार्थ होता है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है, ये जेनेटिक मटेरियल किसी भी मेम्ब्रेन से परिवर्त नहीं पाया जाता, किसी भी मेम्ब्रेन से परिवर्त नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल बात करें, कौन कौन सी होती है प्रोकैरियोटिक सेल, बैक्टीरिया, वायरस, बीजीए, ब्लू ग्रीन एलगी, सभी क्या है, ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं। इन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो पाए जाने वाला जेनेटिक मटेरियल है, वो जेनेटिक मटेरियल किसी भी झिल्ली से, अनुवांशिक पदार्थ किसी भी झिल्ली से परिवर्त नहीं पाया जाता। ये सेल के अंदर बिखरी अवस्था में होता है, बिखरी अवस्था में होता है। जैसे हम यूकैरियोटिक के अंदर बात करें, ये कोई सेल है, इस सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, तो यहां पर न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमेटिन पदार्थ है, ये क्रोमेटिन पदार्थ कैसा है, झिल्लीबद्ध, यहां पर झिल्लीबद्ध नहीं पाया जाता। आप लोगों ने बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देखा होगा, बैक्टीरिया सेल का लेवेंथ के अंदर आता है, ये कोई बैक्टीरिया की सेल है, इस बैक्टीरिया की सेल के अंदर यहां पर जो क्रोमेटिन पदार्थ है वो इस प्रकार से बिखरी हुई अवस्था में पाया जाए। तो यहां किसी भी प्रकार की कोई परिबद्ध झिल्ली नहीं पाई जा रही, इसको घेरे हुए ये स्वतंत्र मिलता है, तो ये क्या कहलाता है, केंद्रकाव, न्यूक्लियोइड। इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड, केंद्रकाव कहते हैं, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर पाया जाता है। बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल्स की, तो अभी बताया था यहां यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर
जो जेनेटिक मटेरियल होता है, ये जेनेटिक मटेरियल दोहरी झिल्ली से परिबद्ध होता है। यहां क्रोमैटिन पदार्थ को घेरे हुए एक दोहरी झिल्ली पाई जाती है जिससे ये चारों तरफ से परिबद्ध होता है। तो केंद्रक जो चारों तरफ से घेरे हुए झिल्ली नुमा संरचना पाई जाती है उसे ही हम क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स में सेल के अंदर निश्चित स्थान होता है। और इस निश्चित स्थान में क्या होता है, न्यूक्लियस उपस्थित होता है जो चारों तरफ से दोहरी झिल्ली से परिबद्ध होता है। बात करें कि जो यूकैरियोटिक सेल्स में जो न्यूक्लियस पाए जाते हैं, ये न्यूक्लियस संख्या में कितने होते हैं, इनकी संख्या आकार आकृति, क्योंकि हमको डिटेल में किसका पढ़ना है, यूकैरियोटिक सेल्स का। तो यूकैरियोटिक सेल्स में इनकी संख्या कैसी पाई जाती है, इनका आकार कैसा होता है और इनकी आकृति कैसी होती है। स्टूडेंट्स, जो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर केंद्रक पाए जाते हैं वो संख्या में अधिकतर सामान्य तौर पर जो केंद्रक पाए जाते हैं सामान्य तौर पर वो पाए जाते हैं एक, लेकिन कहीं कहीं अनुपस्थित भी होते हैं। कहां कहां, परिपक्व आरबीसी जो ह्यूमंस के अंदर आरबीसी पाई जाती है, वहां पर जो परिपक्व आरबीसी पाई जा रही है मैमल्स में, इसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता। इसका एक अपवाद पाया जाता है लामा, लामा की आरबीसी के अंदर केंद्रक पाया जाता है। सीव ट्यूब चलनी नलिका, ये भी कैसी, परिपक्व, इनके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता। रेखित पेशियां या रेखित पेशियों की सेल्स मलेरिया परजीवी स्पोरोजुआ इनके अंदर दो केंद्रक पाए जाते हैं, और भी हैं, तो यहां पर दो केंद्रक पाए जाते हैं। कुछ शैवाल, सभी नहीं, कुछ शैवाल जिनके अंदर एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं, क्योंकि जैसे ही शैवालों के अंदर मैचुरेशन की प्रक्रिया होती है तो यहां पर क्या होता है, इनके सेल्स के बीच के जो सेक्टा होते हैं, आप लोग पढ़ोगे अभी जब हम शैवाल पढ़ेंगे वहां पर आएगा कि इनके बीच के जो सेक्टा होते हैं वो टूट जाते हैं और केंद्रकों की संख्या क्या हो जाती है, किसी किसी में तो केंद्रकों की संख्या 100 से भी अधिक हो जाती है, 100 से 250 300 तक पाई जाती है। इतनी सारे सेल्स मिलकर के एक सेल का ही निर्माण कर लेती है। तो यहां संख्या के आधार पर इनकी उपस्थिति भी अलग अलग होती है, कहीं एक मिल रहा है, कहीं कहीं बिल्कुल नहीं मिल रहा, कहीं दो मिल रहे हैं, कहीं दो से अधिक मिल रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम इनके आकार की। सामान्य तौर पर अगर हम आकार इनका देखें तो सामान्य तौर पर केंद्रक का जो आकार होता है वो गोलाकार या अंडाकार होता है, सामान्य तौर पर गोलाकार
या अंडाकार भी हो सकता है। नेमेटियन जंस गोलाकार के होते हैं। इसके अलावा कोशिका की आंतरिक जो सेल का आंतरिक वातावरण है, इस आंतरिक वातावरण के अकॉर्डिंग इनका जो आकार है वो आकार क्या हो जाता है, परिवर्तित। यहां पर आकार का परिवर्तन हो जाता है, जैसे बहलाकार, षटकोणीय, आयताकार, विभिन्न रूपों में परिवर्तित हो जाता है। खुद सेल का कैसे आकार है, वो सेल कौन सी जगह पर प्रेजेंट है, इन सभी के आधार पर यहाँ पर कुछ परिवर्तन हो जाते हैं, इनकी आकृति चेंज हो जाती है। सामान्य तौर पर इनकी आकृति कैसी होती है, गोलाकार। बात करते हैं हम आकार की, तो यहां पर जो इनका आकार है ये आकार 0.1 से लेकर 5 माइक्रोन तक पाया जाता है, माइक्रोमीटर तक पाया जाता है। तो काफी वेरिएबल होता है, कहीं बहुत छोटा केंद्रक पाया जाता है, कहीं बड़ा केंद्रक पाया जाता है, वो डिपेंड करता है सेल के ऊपर कि जो सेल है वो सेल किस प्रकार की है, छोटी है या बड़ी है। छोटी सेल में छोटा केंद्रक पाया जाता है और बड़ी सेल में बड़ा केंद्रक पाया जाता है। ये तो हो गई इनके आकार आकृति की बात। यहां एनपी बराबर VN अपॉन VC माइनस BN, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स, न्यूक्लियो प्लाज्मिक इंडेक्स। VN वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस और VC वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। यहां पर जो न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स है, ये न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स ही डिपेंड करता है कि सेल के अंदर विभाजन होगा या नहीं होगा। ये प्रत्येक सेल का, जितने भी कोशिकाएं होती हैं, प्रत्येक सेल का फिक्स होता है। अगर वहां से ये ऊपर और नीचे हो गया, कम ज्यादा हो गया, तो वहां फिर कोशिका विभाजन करना स्टार्ट कर देती है। तो ये कोशिका के विभाजन के लिए उत्तरदायी होता है, जिसे हम न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स कहते हैं। यहां अगर न्यूक्लियस का आकार बढ़ गया या कोशिका का आकार बढ़ गया, साइटोप्लाज्म की मात्रा बढ़ गई, कुछ भी हो जाए, तो उस दोनों ही कंडीशनों में ये तो डिस्टर्ब होगा ही, और जैसे ही ये डिस्टर्ब हुआ वैसे ही उसका विभाजन के लिए जिम्मेदार हो जाती है या विभाजन के लिए तैयार हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं केंद्रक की संरचना।